पाकिस्तान में क्रिकेट कमेटी की मीटिंग हुई है और क्या डिसीजंस हुए हैं अभी तो खुल के वो सामने नहीं आ रहे हैं, मगर जो बातें करने वाली ये हैं अब कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई डायरेक्शन की जरूरत है, मजबूत डिसीजंस लेने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, क्योंकि नई मैनेजमेंट इन प्लेस है और इनको दिखाना पड़ेगा अपने स्टेप्स जो लेते हैं कि वी मीन बिजनेस एंड वी आर हेयर फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट, और उसके लिए जो है रूथलेस डिसीजंस की भी जरूरत होती है। क्या इस कमेटी को या क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का इल्म है कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलने को अब तैयार नहीं है? क्या उनको इनकरेज किया जा रहा है, एंगेज किया जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट से ही आपका नाम बनेगा? क्या उनको ये इम्प्रेस किया जा रहा है कि जो आप लेगेसी क्रिएट करेंगे और लेजेंडरी स्टेटस जो आपको मिलेगा वो T20 और 50 ओवर्स क्रिकेट से नहीं मिलेगा बल्कि टेस्ट क्रिकेट से मिलेगा? और क्या आपको T20 लीग्स खेलनी चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ नॉट प्लेइंग फॉर द कंट्री? ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। उनके लिए माहौल क्रिएट करने वाली बात है, एनवायरमेंट ऐसी क्रिएट करें प्लेयर्स के लिए और खासतौर पे नए प्लेयर्स के लिए जो कि इनकरेज हों ये 5 डे क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि जो आप क्रिकेट सीखते हैं, जो बॉन्डिंग सेशंस होते हैं वो टेस्ट क्रिकेट से मिलते हैं, और बाकी दोनों फॉर्मेट्स भी 20 ओवर्स और 50 ओवर्स वो प्रेशर में आ जाते हैं अगर आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से आप बहुत कुछ सीखते हैं और आपकी क्रिकेट में निखार आता है और सारी दुनिया की नजरें जो है वो आपकी क्रिकेट परफॉर्मेंस पे ज्यादा लगी रहती है। T20 और 50 ओवर्स की परफॉर्मेंस जो है वो सीजनल होती है, जबकि टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो है वो लासानी होती है। सो क्या ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है? अगर नहीं क्रिएट किया जा रहा है तो नए क्रिकेट बोर्ड का काम है कि इसके ऊपर खास तवज्जो दें। उसके बाद कप्तानी चेंज मांगती है, नहीं मांगती है, ये बड़ा डिसीजन है। इसी तरह से टीम मैनेजमेंट को बदलना है। मेरी किताब में तो एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहिए, एक फ्रेश पेज, नई बिगिनिंग, नया क्रिकेट बोर्ड आया है, कप्तानी भी बदलनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है, इसलिए कि 3-4 साल आपने देख लिया कप्तान को कि ये कहां तक इस टीम को लेके जा सकते हैं, और चेंज से बहुत ज्यादा फ्रेशनेस आ जाती है। इसी तरह से टीम मैनेजमेंट में भी चेंजेस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने दे दिए इस मैनेजमेंट को भी, और अगर ये टीम की डायरेक्शन नहीं बदल सके, जैसे कि इंग्लैंड ने बदली है कि एक सोच थी उनकी कि 4 साल अब हम तैयारी करेंगे और ना सिर्फ हम 50 ओवर्स की क्रिकेट का ब्रांड बदलेंगे विद इन द कंट्री बल्कि दुनिया को बताएंगे कि हम एक एंटरटेनिंग टीम बन गए हैं, हम एक चैंपियन टीम बन गए हैं। उस हिसाब से सिलेक्शन जो था प्रोसेस इंग्लैंड में वो उनका माइंडसेट बदला और उन्होंने बिग स्ट्राइकर्स, बिग हिटर्स, एंटरटेनर्स, ऑलराउंडर्स जो है उनको इकट्ठा किया। इसी तरह से पाकिस्तान को भी अब ये सोच जो है वो बदलनी है और सोच ये होनी चाहिए कि हमें फ्रेश ब्लड जो लाना है, अगर हम 50 ओवर्स क्रिकेट में पीछे हैं तो ये 4 चीज़ें हमने ठीक करनी है। माइंडसेट बदलना है, अच्छे एथलीट्स क्रिएट करने हैं, फेयरलेस क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करने हैं। इसी तरह से टेस्ट क्रिकेट में हमने वो माहौल क्रिएट करना है जहां पे लंबी इनिंग्स जो खेल सके उन प्लेयर्स के ऊपर खास नजर रखें और उनको ढूंढने की कोशिश करें। सो हर फॉर्मेट के लिए जो है आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए और ये बेहतरीन मौका है इसलिए कि नई मैनेजमेंट आई है। मैं तो ये भी कहूंगा कि PSL में जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं उनके सबके कप्तान आपके लोकल प्लेयर्स होने चाहिए ताकि उनकी एक तरह से ये जो है वो ट्रेनिंग शुरू हो जाए, कप्तानी के हिसाब से जहन लड़े इंटरनेशनल डगआउट में। वो कप्तानी जब करेंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स की तो कॉन्फिडेंस आएगा और वो सीखेंगे। और फिर मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, आपकी लम्स यूनिवर्सिटी है, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जहां पे आप लीडरशिप के कोर्सेज इनको करवा सकते हैं। इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो ये भी समझता हूं कि आपको हर जगह के ऊपर चेंजेस की जरूरत है, चाहे वो एकेडमीज हैं, चाहे वो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो कप्तानी है, चाहे वो टीम का थिंक टैंक है। पिचेस के ऊपर बहुत जोर देने की जरूरत है, ड्रॉप इन पिचेस की जरूरत है, क्योंकि यहां एशेज में हम देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग पिच होने की वजह से ही टेस्ट क्रिकेट जो है यहां पे अलाइव है और एशेज सीरीज अलाइव है, क्योंकि सीम मूवमेंट भी है, बाउंस भी मिलता है, स्पिन भी होता है, दूसरे तीसरे दिन आप शॉट्स भी खेल सकते हैं, आपकी टेक्निक भी चैलेंज होती है। सो जब तक कि आप इस तरह की पिचेस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक टेस्ट क्रिकेट जो है वो दबाव में रहेगी। ड्रॉप इन पिचेस मेरे ख्याल से नेक्स्ट मूव होनी चाहिए इस क्रिकेट बोर्ड के लिए। सो बहुत कुछ करने को है, अहलियत भी है, काबिलियत भी है, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। सोच जो है आपकी ये होनी चाहिए कि मैंने चेंज करना है फॉर द बेटर। जिस तरफ दुनिया के अच्छी टीम्स जा रही हैं हमें वो मॉडल अपनाना है और उसमें अगर हमें स्ट्रांग डिसीजंस करने हैं विद अकाउंटेबिलिटी तो हम करने की जरूरत है और हम करेंगे।